हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी पॉइंट नाइन यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 मार्च 2023 और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एमसीक्यू, आप यदि इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें करंट तथा स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो आज की न्यूज़ यानी बोले तो आज के करंट अफेयर्स की ओर, उससे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो इस वीडियो के अंदर देखो, रोजाना के करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी होती है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स से संबंधित जीके के क्वेश्चन होते हैं और हर ऑप्शन का डिटेल से एनालिसिस किया जाता है, उसके साथ साथ पिछले दिन का रिविजन किया जाता है। इन तीन टॉपिकों पर चर्चा होती है। चलो आज का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चन, किस शहर में पहली मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये बेंगलोर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलोर के अंदर। हाल ही में किस देश में आया चक्रवात फ्रेडी ने 99 लोगों की मौत हुई है? तो फ्रेडी चक्रवात कहाँ पर आया? तो ये आया है मलावी के अंदर। कहाँ पर आया है? मलावी के अंदर। 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। कौन सा देश बन गया है? भारत। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑस्कर 2023 से सम्मानित किया जाएगा, किस मूवी को सम्मानित किया गया है? तो द एलिफेंट विस्पर, जो भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ ही एक भारत ने दूसरा अवार्ड जीता है जो RRR मूवी का एक सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग है? तो वो से सॉन्ग है नाचो नाचो। 12वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस खेल ने नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है नई खेल नीति की मंजूरी? तो वो दी है उत्तर प्रदेश ने। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं MC मेरी कॉम और फरहान अख्तर। कॉनराड संगमा किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो वो बन गए हैं मेघालय के। मेघालय के वर्तमान CM कौन है? तो वो हो जाएंगे कॉनराड संगमा। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक जो USA का है। भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो वो बन गई है सुरेखा यादव। चलो आज का इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा? सिलिकॉन वैली बैंक। देखो 2008 में लिमन ब्रदर्स बैंक थी जो 2008 के अंदर दिवालिया हुई थी, उसके बाद ये दूसरे स्थान पे हैं जो दिवालिया होने में सबसे बड़ा योगदान रखती है, ठीक है ना। पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हुआ था। कैलिफोर्निया में स्थित कौन सी बैंक? लिमन ब्रदर्स में दिवालिया हुई थी और इसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बैंक है जो दिवाली घोषित हुई है। इसके बाद न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लगा। प्रमुख बैंकों पर ताला लटकने से रिकॉर्ड महंगाई बहुत बढ़ती दर है और बैलेंस शीट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा, ठीक है ना। और देख लेते भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है। देखो सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो USA के अंदर है। कहाँ पे है? USA के अंदर है। और भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। देखो सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 1983 के अंदर। कब हुई? 1983 के अंदर। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो प्रमुख कार्य था प्रमुख स्टार्टअप जैसे गूगल है और ओला है, उबेर है, इनकी जो ये प्रमुख स्टार्टअप है उनको लोन देती थी। क्या करती थी? लोन देती थी। और इसकी टोटल पूंजी थी $175 बिलियन। कितनी थी? $175 बिलियन, ठीक है ना। और यदि देखो भारत के अंदर यदि कोई बैंक डूब जाती है ना, तो ग्राहक को जैसे उसके 5 लाख से, देखो करोड़ों में पैसा हो लेकिन उसको कितना दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपये दिया जाएगा। वहीं अमेरिका के अंदर किसी व्यक्ति के पैसे डूब जाते हैं तो कितना रुपये दिया जाता है? तो 2 करोड़ दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? देखो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये शिवपुरी है, और शिवपुरी कहाँ पे है, तो शिवपुरी है मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। शिवपुरी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। देखो मध्य प्रदेश से हम देख लेते हैं, और फिर जैसे ग्वालियर, ग्वालियर के अंदर अभी पहले थोड़े दिनों पहले ना प्रथम ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ग्वालियर के अंदर किया गया। और लाडली बहना योजना कहाँ से है, तो ये भी मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। देखो राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, सरिस्का है, रणथंबोर है, केवला देव नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, तीनों ही राजस्थान के अंदर है। और गुजरात के अंदर कौन कौन से है, तो गिर है, बक्सा है, ब्लैक बग है, मरीन है, सॉरी बक्सा नहीं है, बक्सा तो वेस्ट बंगाल में है। देखो गिर है, वसंदा है, ब्लैक बग है और मरीन है। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन कौन से है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है बक्सा है, गुरुमारा है, जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, तो मध्य प्रदेश के अंदर देखो पेंच है, कान्हा है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, यह सभी कहाँ पे है नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से, सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान के रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बीच प्रमुख संबंध बनाता है, ठीक है ना। और बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने अन्य अभयारण्यों से स्थानांतरण 5 बाघों को रखने के लिए 3 बाड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे भी बाघों को रखा जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में एक नर और एक मादा बाघ को सरकारी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्मित बाड़ों में छोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ अभी हाल ही के अंदर हिंद महासागर के कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है हिंद महासागर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो हिंद महासागर में कहाँ पे, तो देखो ये भारत आ गया, और भारत के नीचे ये श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे ये हिंद महासागर है, ठीक है ना। और यहाँ पे म्यांमार या बंगाल की खाड़ी है, और अंडमान निकोबार द्वीप है, और इंडोनेशिया के जस्ट बाएं साइड की ओर, ठीक है ना। और कहाँ पे होगा, तो ये ला पेरोस हिंद महासागर के अंदर होगा, ठीक है ना। देखो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा ट्रेंच, कौन सा है, सुंडा ट्रेंच। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच, कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। और अंटार्कटिका का सबसे गहरा ये प्यूर्टो रिको, कौन सा है, प्यूर्टो रिको है, कौन सा है, प्यूर्टो रिको है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो कौन इस एक्सरसाइज में कौन कौन भाग लेंगे, तो देखो भारत लेगा, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये चार पांचों देश लेंगे, भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। देखो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तो क्वाड के हो गए, और क्वाड के साथ साथ ये फ्रांस भी शामिल हो गया, ठीक है ना। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ है, और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा चलाए जाने वाले फ्रांस अभ्यास ला पेरोस का हर 2 साल में अभ्यास होता है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सहयोग में सुधार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया डेनमार्क। डेनमार्क देखो डेनमार्क और भारत ने भी एक कौन सा द्वीप तमिलनाडु के अंदर बनाया ना, कौन सा ऊर्जा द्वीप। देखो ये क्या करेगा, CO2 को वायुमंडल से कंज्यूम करेगा, और वहाँ से ले जाके या पानी के अंदर ऐसे छोड़ देगा, ठीक है ना, पानी के अंदर समुद्र के नीचे चट्टानों के नीचे ऐसे छोड़ देगा, ठीक है ना। अब देखो ब्रिटेन दे लेते, तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। और नार्वे डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर फर्स्ट स्थान पर कौन आता है, तो नार्वे आता है। और जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे चलेगी, तो जर्मनी से चलेगी, ठीक है ना। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं एक बार। देखो डेनमार्क ने उत्तरी सागर से के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। देखो डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो डेनिश है। इसकी मुद्रा क्या है, तो क्रोन है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मेटे फ्रेडरिकसन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी, तो भारत के अंदर बुलेट ट्रेन कब चलेगी, तो ये चलेगी ऑप्शन नंबर बी, ऐसा आंसर हो जाएगा 2026 में। तो भारत में बुलेट ट्रेन 2026 के अंदर चलेगी, और किसके सहयोग से, तो ये भारत और जापान के सहयोग से, ठीक है ना, भारत और जापान के सहयोग से चलेगी, ठीक है ना।
और कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। और इसका फर्स्ट स्टेशन होगा सूरत। कहाँ होगा? सूरत। बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन सूरत होगा। देखो इंडियन रेलवे, देखो 2030 के अंदर क्या रखा हुआ है, तो 2030 के अंदर रेलवे खुद को कार्बन फ्री करने करने का, ठीक है ना, लक्ष्य रखा गया है। किसको? 1 मिनट देखो, इसका सही आंसर तो हो जाएगा 2026। और कार्बन मुक्त रेलवे बनने के लिए 2030 लक्ष्य रखा गया है। और टीबी फ्री भारत कब रखा गया है? तो ये 2025 लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया मुक्त 2030 के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026, पहली बुलेट ट्रेन। और जापान और भारत के सहयोग से ये भारत के अंदर इसका पहला स्टेशन सूरत होगा, और ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखो रेलवे और दूरसंचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। उन्होंने भारत में पहली ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेंगे, ठीक है ना। भारत रेलवे अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक 508 किलोमीटर ये देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण करने जा रहे हैं। और हाई स्पीड ट्रेन 3 घंटों में दूरी तय करने के करते हुए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, ठीक है ना। हाल ही में जारी स्विस फ्रेम IQA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 8वां प्रदूषित देश कौन सा बन गया? तो देखो भारत, भारत में अभी सुधार हुआ है, ठीक है ना। देखो पहले की रिपोर्ट के अंदर भारत किस स्थान पे था? तो 5वें स्थान पे था। अब कितनी कौन से स्थान पे है? तो 8वें स्थान पे है, ठीक है ना, प्रदूषण के मामले में। 2022 के अंदर 5वें स्थान पे था। और अब देख लेते, देखो सीरिया, दुनिया का सबसे अशांत शहर कौन सा है? तो सीरिया है। देखो एक बॉर्डर है ना, कौन सी सबसे, दुनिया की सबसे शांत बॉर्डर कौन सी है? तो ये है यूएसए कनाडा की बॉर्डर, ठीक है ना, 49 समानांतर रेखा, ठीक है ना। और देखो फिनलैंड, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। और आइसलैंड सबसे शांत देश है, ठीक है ना। स्विस फ्रेम IQ द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, जो पिछले साल 5वें स्थान पे था, ठीक है ना। और ये 50 शहरों में से 39 देश भारत के हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 मार्च को। देखो दिवस से संबंधित मैंने मंथली वाइज वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे जनवरी का तो मैंने लेके आ गया, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। अब फरवरी का भी लेके आ जाऊँगा, उसके साथ मार्च के जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उनकी थीम वगैरह उनका वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको करंट अफेयर से संबंधित तथा GK से संबंधित वीडियो सबसे पहले पा सकते हो। देखो नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस का? तो इसका हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है ना। हाल ही में देखो, हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है भारत ने। किसने जीती है? भारत ने जीती है, ठीक है ना। देखो ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया अभी विजेता हुआ था ना ICC वुमेन वर्ल्ड कप, किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा? तो ये इंग्लैंड रहा है। और एशिया कप जो पुरुषों का हुआ ना, उसमें कौन विजेता रहा? तो श्रीलंका रहा है। देखो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। देखो भारत, देखो फाइनल मैच किसके बीच हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। और इसी के साथ भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीत ली है। ये लगातार चौथी बार है जब टीम इंडिया ने इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो इलीगल माइग्रेशन बिल किसने पेश किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ये कौन है? ब्रिटेन के PM है ना, ऋषि सुनक जी, ठीक है ना। सुनक लीगल माइग्रेशन बिल, ठीक है ना। देखो कनाडा ने अभी हाल ही में एक ट्रॉफी जीता है ना, कौन सी ट्रॉफी? डेविस कप किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है, ठीक है ना। USA हमने देख लिया और जर्मनी हमने देख लिया। देखो ब्रिटेन के इलीगल माइग्रेशन बिल जिसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पेश किया है, इसका उद्देश्य है 1000 प्रवासियों को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करके करने से रोककर अवैध आप्रवासन के। ये बिल UK सरकार को कुछ अपवादों के साथ अवैध रूप से देश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार देता है। ये ब्रिटिश संसद को देश में अनुमति आवासियों की संख्या एवं कोटा निर्धारित करता है। देखो USA, देखो ब्रिटेन के अंदर जाने के लिए लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि इंग्लिश चैनल को पार करके आना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ छोटी छोटी नावों पर बैठ के इंग्लिश चैनल को पार करके और इनमें आके यहाँ पे
प्रवासन करते हैं और प्रवासी के रूप में यहाँ पे शरण ले लेते हैं। इसलिए इसको अब क्या बनाया, अब इलीगल माइग्रेशन बिल पास कर दिया है और इसके तहत है ना जो भी व्यक्ति ऐसा पाया गया जो अवैध रूप से आया हुआ है उसको पाया गया तो उसको हिरासत में ले सकते हैं और उसको वापस निर्वासित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंधक निर्देशक MD और CEO कौन बन गए। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो HUL के CEO कौन बन गए, तो रोहित जावा बन गए, ठीक है ना, रोहित जावा। देखो ऑप्शन नंबर ए से देख दो, BVR सुब्रमण्यम कौन है, तो ये नीति आयोग के CEO है। सुंदर पिचई कौन है, तो सुंदर पिचई है गूगल के CEO है, ठीक है ना। चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।